फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत बड़ा लेसन आज हम सभी लोगों को मिलने वाला है। और वो क्या है? आज का जो मेरा एबीसी ऑफ सक्सेस का टॉपिक है उसमें एनओपी का मतलब है नेवर ओवरलुक द प्रेजेंट। कभी भी प्रेजेंट को अनदेखा मत करिए। और ये कैसे हम करते हैं और कैसे हमारी सक्सेस रुक जाती है, ये जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल के बटन को जरूर दबाइए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेवर ओवरलुक द प्रेजेंट। देखिए, हमारे को तीन तरह के लोग मिलते हैं। पहले वो लोग जो पास्ट में जीते हैं, वो हमेशा पास्ट की बातें करते हैं। मैं एक समय पर ये था और फिर ऐसा हो गया था और फिर ऐसा हो गया था, फिर मेरी इनकम इतनी थी, फिर मेरा बिजनेस इतना था, फिर ये। अरे भाई साहब, वो था, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या था, इससे फर्क पड़ता है कि आज क्या है। हमें प्रेजेंट में जीना होगा। याद रखना दोस्तों, पास्ट से सिर्फ हम एक चीज ले सकते हैं और वो है लेसन्स। पास से सबक लेना है और उस सबक को लेकर हमें आगे बढ़ना है। पास क्योंकि सबक क्यों लेना है, क्योंकि आप जानते हो ना, सबक इसलिए लेना है दोस्तों क्योंकि हमें मूर्ख नहीं बनना है। हमें पास की गलतियों को दोहराना नहीं है। याद है ना, मैंने वो वाले पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो लोग अपनी गलतियों को दोहराते हैं वो मूर्ख है। सो पास से लेसन लेना है और प्रेजेंट में जीना है। सो एक तरह के वो लोग हैं जो पास में जीते हैं, एक तरह के वो लोग हैं जो फ्यूचर में जीते हैं। वो सिर्फ फ्यूचर की बातें करते हैं, फिर मैं ये करूंगा, फिर मेरा ये होगा, फिर मेरी गाड़ी होगी, फिर मेरा बंगला होगा, फिर मैं राजा बन जाऊंगा। भाई साहब, बहुत खुशी की बात है, भगवान करें आप राजा बने। ऊंचा सोचना जरूरी है, लेकिन ऊंचा सोचने के साथ साथ प्रेजेंट में उस पर काम करना भी तो जरूरी है। प्रेजेंट में काम करना भी तो जरूरी है, उस पर इंप्लीमेंट करना भी तो जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट में जीना सीखिए। पास्ट आपको कुछ नहीं देगा, फ्यूचर आपको मोटिवेशन देगा। अगर आप बड़ा टारगेट लेकर काम करेंगे, फ्यूचर आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन फ्यूचर से मोटिवेट होकर आप काम कर रहे हैं या नहीं, आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं, आपने आज क्या काम किया, आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि आज का जो दिन निकला है आपने क्या काम किया, आपकी एक्टिविटीज क्या रही, आपने प्रोडक्टिव क्या किया। हमारे पूरे दिन में दो तरह के काम होते हैं, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव काम जिन चीजों से हमें कोई फायदा नहीं मिलता, जिनसे हमें कोई ग्रोथ नहीं मिलती, वो सारे अनप्रोडक्टिव होते हैं। चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ, गप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फेसबुक पे फिजूल के कमेंट्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें अनप्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव क्या है? आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, आप कोई अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं, आप कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर से मिल रहे हैं, क्लाइंट से मिल रहे हैं, अपने सीनियर से मिल रहे हैं, ये सारे प्रोडक्टिव काम है। सो दोस्तों, प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है। यहां पर एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं, प्रेजेंट में जीने का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज तो बहुत है लेकिन उन आइडियाज पे वो काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा किस्सा है, इस किस्से को मैं आपसे जोड़ के बात करता हूं ना। मान लेते हैं आपका घर एक जंगल में है, एक पहाड़ के ऊपर आपका एक घर है, और रात को भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, घर में फादर की तबीयत खराब हो गई। आपके पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे, आपने उस डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बोला देखो भाई ऐसा है, एक घंटे के अंदर यह इंजेक्शन लाना जरूरी है, नहीं तो मैं नहीं जानता क्या होगा। अब आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को यह बोलेंगे डॉक्टर साहब अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह चला जाऊं? आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहब मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, कार भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं? आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहब अभी तो हमारे गांव में जो केमिस्ट है उसकी दुकान बंद हो गई होगी, वो केमिस्ट सो गया होगा, कल सुबह ले आऊं? आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर से सिर्फ वो पर्चा लेंगे और आप भाग जाएंगे, आप निकल जाएंगे और अब आप रास्ते ढूंढेंगे, आप संभावनाओं की तलाश करेंगे कि मैं कैसे एक घंटे के अंदर वो इंजेक्शन ला सकता हूं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं दोस्तों? और अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि आपके पड़ोस में किसी की तबीयत खराब हुई है और डॉक्टर आया है और डॉक्टर ने बोला है कि भैया ऐसा है आपके पड़ोसी की तबीयत ठीक नहीं है,
एक घंटे के अंदर इंजेक्शन आना चाहिए, आ गया तो भी ठीक है, नहीं तो चलो शायद कल तक मैं देख लूंगा। अब आप क्या करेंगे? आप रात को दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। आप बाइक कार या साइकिल का इंतजाम करेंगे? नहीं करेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सुबह होने का इंतजार करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है। दोनों चीजों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? दोस्तों यहां पर यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों के ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, वो फ्यूचर में जीते हैं। कर लेंगे ना, अभी हो जाएगा ना, फिर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा। अरे भाई कब करेगा? कब? ऊपर वाला नीचे आएगा क्या आपको जगाने के लिए? नहीं, वो खुद नीचे नहीं आता है, वो सिर्फ रास्ते बनाता है, याद रख लेना। कब करोगे? प्रेजेंट में जीना सीखिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोना मत। ड्रीम बिल्डिंग हमें सिखाती है कि हमारे सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन ड्रीम बिल्डिंग हमें यह बिल्कुल नहीं सिखाती है कि हर समय सपने ही देखते रहो और काम मत करो। काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रेजेंट में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना समय खराब मत करिए दोस्तों, क्योंकि समय ही सब कुछ है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बता रहा हूं, जिसने टाइम खराब कर दिया उसने अपनी लाइफ खराब कर दी। यहां पर एक बात बताता हूं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक किस्सा याद आ रहा है बहुत जबरदस्त, स्वामी विवेकानंद जी का। एक बार की बात है, स्वामी जी का एक शिष्य था, उसने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सफलता का रहस्य क्या है। स्वामी जी ने बोला ठीक है बेटा, कल सुबह आप समुद्र के किनारे आना, मैं वहां टहलने जाता हूं, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, सफलता कैसे मिलती है। तो वो शिष्य सही समय पर सुबह सुबह पहुंच गया और स्वामी जी वहां समुद्र के किनारे टहल रहे थे। स्वामी जी ने उसको बोला, हां जी अब आप बताएं क्या जानना चाहते थे। उस शिष्य ने कहा, स्वामी जी मुझे सफलता का रहस्य जानना है, सफलता कैसे मिलती है, सफलता क्या है। स्वामी जी ने बोला ठीक है आइए मैं आपको बताता हूं, और स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ा और पानी की तरफ चलने लगे। धीरे 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 पानी उनके पैरों तक आने लगा, लहरें उनके पैरों को छू रही थी। उसने कहा स्वामी जी बताइए ना। स्वामी जी ने बोला थोड़ा सा शांत रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं। स्वामी जी उसका हाथ पकड़कर और समुद्र की तरफ चले गए, लहरें और बड़ी हो गई, उनके घुटनों तक पानी आना शुरू हुआ। थोड़ा सा शिष्य घबराया और बोला स्वामी जी मुझे बताइए ना सफलता का रहस्य क्या है। स्वामी जी ने बोला वही बताने जा रहा हूं। थोड़े से और आगे गए, कमर तक पानी आ गया, शिष्य घबराने लगा। स्वामी जी ने क्या किया, ठीक उसी समय उसका सिर पकड़ा, उसके बाल पकड़े और उसका मुंह पानी के नीचे कर दिया। वो छटपटाने लगा, एक दो मिनट छटपटाया, उसके बाद स्वामी जी ने उसको बाहर किया और फिर से उसका हाथ पकड़ के किनारे की तरफ आ गए। वो हांफ रहा था, घबरा रहा था। जब वो किनारे पर आया, हांफते हुए उसने बोला, स्वामी जी क्या मुझसे कोई गलती हो गई, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। स्वामी जी ने बोला मैंने आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही जानना चाहते थे ना सफलता का रहस्य क्या है, मैं सिर्फ आपको वही बताना चाहता था। तो उसने बोला स्वामी जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। स्वामी जी ने सिर्फ एक सवाल किया, आप एक बात बताइए, जब आप पानी के नीचे थे, जब आपका मुंह पानी के नीचे था, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी। तो शिष्य ने बोला स्वामी जी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी हवा की, ऑक्सीजन की। स्वामी जी ने बोला बेटा जिस दिन आपको सफलता की भी उतनी ही जरूरत महसूस होगी, जिस दिन आपको सफलता की भी उतनी ही जरूरत महसूस होगी जितनी सांस लेने के लिए हवा की, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टोरी से, इस एक प्रेरणादायक किस्से से हमें क्या मिलता है। हमें यह मिलता है आज है जो कुछ है वो आज है, उसे कल पर मत टालो। मैं कर लूंगा, मैं कर दूंगा, मैं बस ये प्लानिंग कर रहा हूं, अब ये हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है, करने से होता है। जो कुछ करना है वो आज करना है। आपके पास रात को 12 बजे कोई आइडिया आया है ना, अब आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, कल से करूंगा, नहीं, उसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्योंकि कहा जाता है जो चीज लिख ली जाती है वो अस्तित्व में आ जाती है। आपके दिमाग में जो आता है उसे लिखिए, हवा में मत रहने दीजिए, अस्तित्व में उतारिए और आप जो लिखेंगे उस पर काम करना शुरू करिए। दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए प्रेजेंट में जीना जरूरी है। पास्ट को भूल जाइए, पुरानी यादों को भूल जाइए, उसने मुझे क्या बोला था, क्या कहा था, इन चीजों से कुछ मतलब नहीं है। फ्यूचर क्या होगा भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग करने के साथ
प्रेजेंट में आप एक्शन क्या ले रहे हैं वो ही आपका भविष्य बनाएगा। अक्सर कहा जाता है आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आप अपनी किस्मत कैसे लिखते हैं? आप आज जो काम करेंगे ना वही आपका भविष्य होगा। सो प्रेजेंट में जीना शुरू करिए, आज के दिन चेक करिए, आज मैंने क्या काम किया, मैंने क्या ग्रोथ की, मैंने क्या पॉजिटिव काम किया, मैंने क्या प्रोडक्टिव काम किया। अगर आपने आज अपना सही कर लिया तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर उन लोगों को भेजिए जिन्हें आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, जिन्हें आप कामयाब बनाना चाहते हैं। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी जानकारियां, अच्छी से अच्छी चीजें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।